यूं तो मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज होता है, लेकिन सच्चा प्रेमी वही होता है जो हर समय अपनी प्रेमिका का साथ निभाए। हालात चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, वो अपनी प्रियतम का साथ नहीं छोड़ता। ऐसा ही एक किस्सा गुजरात के जामनगर में सामने आया है, जहां मंगनी होने के 2 महीने बाद लड़की के साथ दर्दनाक हादसा हो गया, लेकिन प्रेमी ने हादसे के बाद भी प्रेमिका का साथ नहीं छोड़ा। दरअसल मामला है कि जामनगर के रहने वाले चिराग की मंगनी 2 महीने पहले ही हीरल नाम की लड़की के साथ हुई थी। सब ठीक ठाक चल रहा था, दोनों परिवार खुश थे, पर अचानक न जाने इस हंसते खेलते परिवार पर किसकी बुरी नजर लग गई और एक हादसे ने इनकी जिंदगी बदल दी। दरअसल हीरल जब घर का कामकाज कर रही थी, तभी अचानक से बिजली का तार टूटा और घर पे आ गिरा। हीरल को शॉक लगा और उसी पर हीरल को अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में एडमिट किया गया और उसके दोनों पैर और एक हाथ जलने के कारण काटने पड़े। हीरल के परिवार पे आफत आन पड़ी थी। परिवार को शंका थी कि कहीं चिराग अब हीरल का साथ ना छोड़ दे, लेकिन चिराग तो अपना मन बना चुका था और उसने हीरल के साथ शादी करके जीवन भर उसका साथ निभाने का फैसला किया। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरे मम्मी पापा का वो सपोर्ट मेरे को अच्छा मिला कि ये सिचुएशन में मैं हैंडल कर पाया, और उनका मोटिवेशन ही मेरे लिए सबसे बेस्ट सपोर्ट था कि मैं ये सिचुएशन छोड़ के ना जाऊं। और दूसरी बात संस्कार क्या थे कि मेरे माँ बाप ने मुझे ऐसे संस्कार दिए कि ऐसे टाइम पर किसी व्यक्ति को अगर हम लोग उसके साथ नहीं होते तो कैसा लगता है, और मैं उसकी लाइफ पूरी सुधार दूंगा, वो जीवन भर उसका साथ ले पाऊंगा। पहले ऐसा लगा था कि वो मेरा साथ छोड़ देंगे, लेकिन नहीं, मुझे मेरे मम्मी पापा को भी उसने हिम्मत दी और मुझे भी हिम्मत दी। बहुत बोले कि मैं तेरा भले तेरा हाथ पैर कट गया, मैं तेरे को जिंदगी भर तेरा साथ नहीं पाऊंगा, और जब तक मेरे से होगा तब तक मैं तेरी सेवा करूंगा और तुझे ऐसे ही नहीं रखूंगा, तेरे को चलते चलते मैं तेरे को घर ले जाऊंगा। हम लोग को तो ऐसा लगा था कि वो लोग छोड़ देंगे, लेकिन वो लोग बोले नहीं, ये हमारी बेटी, जैसे हमारी बेटी है वैसे तुम्हारी भी बेटी है। यही घटना हम लोग के घर पे घटती थी, तो हम लोग थोड़ी क्या करते थे, हम लोग उसको जिंदगी भर रखेंगे और उसका साथ निभाएंगे। हम लोग उसका सास ससुर और उसका पूरा परिवार भी बोला ऐसा। वो भी जो समझदार हो गया, तो 22 साल का हो गया, मैं ऊपर प्रेस नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जो मेरा घर का भी प्रॉब्लम था तो भी मैंने गम खा के जो लड़के के फैसले के साथ गया हूँ, क्योंकि आजकल मैं लड़का क्या कर सकता है सबको पता है, लेकिन भगवान स्वामीनारायण मेरे को इतना बुद्धि दिया और किया कि जो लड़के ने फैसला लिया उसके साथ आप जाएंगे तो आपको आगे जाके कुछ फ़ायदा होगा, अगर गलती से कुछ भी जो अभी फैसला लिया तो कुछ परिणाम अलग आ सकता है। तो मेरे मन में जो आया तो मैंने लड़के को फ़ोन करके बोल दिया, पापा क्या करेंगे अब, तो लड़का ने बोला पापा अभी मेरे को हेल्प की ज़रूरत है तो आप मुझे हेल्प कीजिए, तो मेरे को भी रोना आ गया, मैं उसके साथ गया, बस बाकी भगवान स्वामीनारायण जो करेंगे वो सही करेंगे। अब उसके मैं बेटे के साथ खुश हूँ, अभी जो उसने फैसला लिया मैं ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन उसका अंदर जो आत्मा बोला तो मैंने स्वीकार कर लिया, दुनिया की मेरे को परवाह नहीं, जो ये दुनिया बोले उसको मैं स्वीकार कर सकता हूँ, लेकिन मेरे लड़कों को और हीरल को खुश देखना चाहता हूँ। हीरल चिराग के इस फैसले से काफी खुश है। चिराग अभी हीरल की बहुत अच्छे से देखभाल कर रहा है और अपनी आँखों से ओझल होने नहीं दे रहा है। बस आशा है कि इनका जीवन निरंतर चलता रहे और खुशियों से भरा रहे। वो कहते हैं ना, इश्क की कोई जुबान नहीं होती, बस उसे महसूस करके निभाया जाता है। बस वही चिराग ने यहाँ कर दिखाया है।